नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल डेली में। जी हाँ फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिकल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, जिनका ग्रुप डी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उनके अंडे के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन आपके नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल पर होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं मेडिकल के रिलेटेड क्या बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को देखना जरूरी है जिनका मेडिकल है। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस आया है, ऑफिशियल नोटिस है। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑफिशियल नोटिस फॉर कैंडिडेट फिजिकल मेडिकल मेडिकल एग्जाम फीस। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे आप लोग का मेडिकल होता है फ्रेंड्स, वहाँ आपका वो मेडिकल फी पे करना, बहुत बड़ी न्यूज़ समझिए। फ्रेंड्स सुन लीजिए फ्रेंड्स, कि जहाँ पे आपका मेडिकल एग्जाम होगा फ्रेंड्स, वहाँ आपको मेडिकल फीस पे करना, तभी आपका मेडिकल होगा। अगर मेडिकल फी नहीं पे करेंगे तो फ्रेंड्स आप लोग का मेडिकल एग्जाम नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बहुत ही ध्यान रखिए, अगर आप लोग जाते हैं मेडिकल एग्जाम देने के लिए तो फ्रेंड्स अपना अमाउंट या अपना पैसा अपने साथ में लेके, ताकि आप मेडिकल फी पे कर सके। जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिकल आपका रेलवे हॉस्पिटल में होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या है इससे रिलेटेड न्यूज़, क्या है पूरा अपडेट के लिए चलिए इसके ऑफिशियल नोटिस पे जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से फ्रेंड्स आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको आरबी कोलकाता की वेबसाइट पर, जैसे कि मैं आ चुका देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे ही आरबी कोलकाता की वेबसाइट पर आ जाए तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नीचे एक लिंक दिया गया, देखिए क्लिक हियर फॉर लेटेस्ट अपडेट सेल नंबर 01/2018 02/2018। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्लिक करना है। चलिए मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या है। जैसे ही क्लिक करें फिर ये देखिए, कल आज के डेट में लगभग एक नोटिस आया है 02/2018 के डेट में 13/5/2019। जी हाँ फ्रेंड्स, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सक्सेस हो गया, जो शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, उन लोगों के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट। चलिए फ्रेंड्स डाउनलोड कर लेते हैं नोटिस, देखते हैं क्या है नोटिस में इंपॉर्टेंस बात है। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, देखिए डाउनलोड हो रही है, ये डाउनलोड तो देख फिर सकते हैं फ्रेंड्स क्या नोटिस है, आप लोग खुद देख लिए, आपके सामने ही पढ़ूंगा। ये देखिए ऑफिशियल नोटिस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सेल नंबर 02/2018 रेल लेवल 1 पोस्ट हैश पर 7th CPC। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शॉर्ट लिस्ट होने का मेडिकल होगा, देख सकते हैं क्या इंपॉर्टेंट नोटिस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB यानी DB ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन मेरिट इन CBT कंडक्टेड फॉर लेवल 1 पोस्ट अगेंस्ट सेल नंबर 02/2018। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में है तो उन लोगों का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ही मेडिकल एग्जामिनेशन उन कैंडिडेट को होगा जी अंडर प्रोग्रेस। जी हाँ, उन लोगों को कभी कार्रवाई कर रही है यानी अंडर प्रोग्रेस में काम चल रहा है अंडर कोऑर्डिनेशन ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल यानी RRC के फ्रेंड्स ऑफ वेरियस रेलवे में हो रहा। चलिए नीचे देख लेते क्या है रिगार्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट एडवाइज डेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ DB। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते इंपॉर्टेंट न्यूज़, मतलब आपको कंप्लीट हो जाता है DB यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है तो मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कैरिड आउट बाय रेलवे हॉस्पिटल। जी हाँ फ्रेंड, जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो रेलवे हॉस्पिटल में होगा। कैंडिडेट आफ्टर PA प्रेस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ फ्रेंड, देख सकते हैं आप लोग, कैंडिडेट हैव टू पे द प्रेस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन फी ऑफ 16 रुपये ओनली। जी हाँ फ्रेंड, देखिए आपको एक मेडिकल फीस देना है 16 रुपये का, मात्र 16 रुपये। जी हाँ, देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसकी मैं बात करता हूँ, देख सकते हैं कैंडिडेट हैव टू पे द प्रेस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन फी ऑफ 16 रुपये ओनली। जी हाँ फ्रेंड, 16 रुपये का मेडिकल फीस देना है, देर आर नो अदर चार्जेस टू पेड टू द हॉस्पिटल एट मेडिकल एग्जामिनेशन। जी फ्रेंड, 16 रुपये के चार्ज के अलावा भी कोई अगर अथॉरिटी कहते नहीं आप इतना पीजिए, तो आपको फ्रेंड्स सतर्क रहना, आपको 16 रुपये के अलावा 1 रुपये भी पे नहीं करना। जी हाँ फ्रेंड, वही साफ साफ लिखे, देखिए नो अदर चार्जेस टू बी पेड टू द हॉस्पिटल फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। जी अपने 16 रुपये के अतिरिक्त आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, कोई अथॉरिटी मांगता तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। देखिए नीचे में दिया गया है और देख लेते क्या इन रियर केसेस, मतलब अगर उन लोगों को जरूरत पड़ती है कि वो सिटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड ऐसे कुछ करवाए, देख सकते हैं वेयर द इन्वेस्टिगेशन लाइक सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड टेस्ट टू रूल आउट रिफ्रैक्टिव आई सर्जरी एक्सेट्रा हैव टू बी कैरिड आउट फॉर विच नेसेसरी फैसिलिटी नॉट अवेलेबल इन द रेलवे हॉस्पिटल। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि उन लोगों को मान लीजिए जो मेडिकल ऑफिसर, उन लोगों को अगर जरूरत पड़ता है कि नहीं आपका अल्ट्रासाउंड करवाना है, सिटी स्कैन करना है या सर्जरी करवाना है, तो फ्रेंड्स उस टाइप की फैसिलिटी अगर रेलवे हॉस्पिटल में नहीं उपलब्ध, तो फ्रेंड देखिए क्या करना है। देन फॉर सच इन्वेस्टिगेशन कैन डी हैव टू मेक द रिक्वेस्ट पेमेंट टू द कंसर्न लेबोरेटरी हॉस्पिटल। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इसमें देख लीजिए अगर उस सुविधा रेलवे हॉस्पिटल में नहीं, फ्रेंड्स आपको अपने माध्यम से मानिए अपनी कन्वीनियंस पे आपको एग्जाम फी पे करना उस लेबोरेटरी पे हॉस्पिटल में जहाँ पर आप लोग का ये
एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन चेकअप हो, जैसे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, आई टेस्ट जैसे हो, तो फ्रेंड्स ये आप लोग को एग्जाम फीस जहाँ पे वो लोग मतलब सेंड करेंगे तो वहाँ पे आप लोग को अपने स्वयं पेंट करना एग्जामिनेशन फीस, रेलवे रेलवे हॉस्पिटल को छोड़ के जहाँ लोग मतलब आपको सेंड करेंगे। फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं और क्या। कैंडिडेट में नॉट डेट द ऑल द रिक्रूटमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज बाय रेलवे इज प्योरली ऑन मेरिट बेसिस। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको नोट करने की बात है कि जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है प्योरली मेरिट बेसिस पे हो रहा, कोई लेन देन नहीं हो रहा पैसे का वहाँ पे। बेसिस ऑन कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट टू एनी अथॉरिटी अदर देन प्रिस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितनी बड़ी बात यहाँ रेलवे ने की है कि मेडिकल फी के अलावा और भी कोई आपको पेमेंट नहीं करना। देख सकते हैं नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी पेमेंट, मतलब कोई भी पेमेंट नहीं करना टू एनी अथॉरिटी, मतलब कोई भी अथॉरिटी अंडर प्रिस्क्राइब मेडिकल एग्जामिनेशन फी ऑफ 1600 रुपये। 1600 रुपये का अतिरिक्त भी कोई मेडिकल अथॉरिटी कहता नहीं आप इधर फी कीजिए इधर पेमेंट करा। फ्रेंड्स सतर्क करना, एकदम पेमेंट नहीं करना फ्रेंड, देखिए साफ तौर पर हम लिखी गई है। फिर अगर आपको कोई फोर्स करता है फ्रेंड्स आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, देख सकते हो उसके लिए प्रावधान बनी गई है। कंप्लेन इफ एनी ऑन द वो मे बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ विलिगेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंसर्न रेलवे। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके जो कंसर्न रेलवे बोर्ड है उसका जो विलिगेंस डिपार्टमेंट उसको हम लोग कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि सीनियर डिविजनल पर्सनल ऑफिसर्स, डिविजनल पर्सनल ऑफिसर ऑफ द डिवीजन एंड चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरसीसी ऑफ द कंसर्न रेलवे। जी हाँ फ्रेंड्स, इन लोगों को आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपको लगता है 1600 रुपये से अतिरिक्त आपको मेडिकल एग्जामिनेशन फीस मांग रही है देने के लिए कह रहे थे। फ्रेंड्स यही फ्रेंड्स देख सकते हैं आज की नोटिस है 13/5/2019 चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। जी हाँ फ्रेंड्स, यही नोटिस है, बस ये मैं आपको सोचा एक नोटिस दे दूँ क्योंकि शॉर्ट ही नोटिस पर बहुत ही जरूरत नोटिस है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत जरूरमंद नोटिस है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत जिन जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उन लोगों को मेडिकल के लिए जाना तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम ना फेस करना, इसलिए मैंने आप लोगों को एक नोटिस बना दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना उधर एग्जामिनेशन देने के बाद। जी हाँ फ्रेंड, मेडिकल एग्जाम देने से बाद। बस फ्रेंड धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर, लाइक कर फ्रेंड्स, कमेंट करना बोलो। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नमस्कार।